इंडियन बाइक टीवीएस। तो यहाँ पे बहुत सारे मोटरसाइकिल और व्हीकल्स के इंडियन ब्रांड्स हैं, बजाज है, टीवीएस है। मेरे को उसने बोला कि कैमरा अंदर रखो, कोई खींच के ले जाए। एक सेकंड नहीं लगेगा, लोग आके छीन के लेके चले जाएंगे। बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, बहुत बिजी रोड है, जहाँ भी मन करे चले जाओ। मेरे को पूरी इजिप्ट वाली यहाँ फीलिंग आ रही है। तो इस वजह से ट्रेवलर्स के लिए ये कैश ओनली इकोनॉमी कंट्री हो चुकी है। मैं ईरान आके करोड़पति हो चुका हूँ, मेरे हाथ में समय 13 करोड़ रियाल है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को समझने में पूरा एक दिन लग गया। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम तेहरान, ईरान। मेरा नाम है तोरवशु और अभी मैं हूँ अपने तेहरान के होस्ट के घर पे हूँ, मेहंदी भाई के घर पे हूँ। मॉर्निंग हो चुकी, मॉर्निंग है, दोपहर हो चुकी है। तो कल रात में आप लोगों ने देखा, मैं अपने होस्ट के घर पे पहुँच गया था और हम लोगों को सोते सोते सुबह के 6 बज चुके थे। और ये तरुण भाई यहाँ पे हैं और हम लोग ये यहाँ पे सोए हैं, ये देखो ये 2 बेड पे। खैर मेहंदी भाई का पेड ही है लेकिन वो यहाँ पे सोए नहीं है। बोल रहे थे कि हम यहाँ पे सोएंगे तो आप लोग देर में उठोगे, मैं जल्दी उठूंगा, आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। तो दूसरे रूम में सोए हैं यहाँ पे, एक्चुअली 2-3 रूम इनके घर पे। तो मेहंदी भाई तो ऑफिस चले गए हैं लेकिन उन्होंने यहाँ पे हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। ये देख सकते हो आप, क्या ये ब्रेड है, कुछ ब्रेड है, वहाँ पे अल्बेनिया में खा रहे हैं, ऐसी ब्रेड लग रही है। और ये ईरानियन कॉफी है और ये कई टाइप का स्प्रेड्स है, चॉकलेट स्प्रेड है, पीनट बटर स्प्रेड है, चॉकलेट। उन्होंने ये गुड मॉर्निंग मैसेज रखे गया है, वह हैं गुड मॉर्निंग, कॉफी इज ऑन स्टोर, यू कैन एड हॉट वाटर। दोपहर के 2:15 बज रहा है, हम लोग लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास तो सो के उठे हैं। अभी थोड़ी देर में मेरे होस्ट आ जाएंगे, लगभग 3 बजे तक उन्होंने बोला था, मैं 3 तक आ जाऊँगा। तो बहुत ही सही आदमी है यार, हम लोगों को एयरपोर्ट पे लेने आए, आधी रात को ठीक से सोए भी नहीं, इस रूम में शायद वो सोए हैं रात में, और सुबह ऑफिस भी चले गए, ब्रेकफास्ट भी रख दिया। इससे ज़्यादा एक इंसान क्या कर सकता है दूसरों के लिए जिसको वो जानता भी नहीं था। मतलब एक दिन पहले हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कल मिले पहली बार और इतना कुछ हो रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर में मार्केट जाएंगे, सिम कार्ड लेना है, एयरपोर्ट में सिम कार्ड मिलता है। हम लोग जब सिम कार्ड लेने गए, हम बोल रहे थे अगर आप फर्स्ट टाइम ईरान आ रहे हो तो आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड नहीं ले सकते हो, और ऑलरेडी आपके पास पहले सिम कार्ड रहा होगा कभी तब आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड ले सकते हो। तो हम लोग एयरपोर्ट से सिम कार्ड ले नहीं पाए हैं, मार्केट से सिम कार्ड लेंगे, करेंसी भी एक्सचेंज कराना है। सो गाइस, वेरी गुड इवनिंग, शाम हो चुकी, शाम के 4 बज रहे हैं। तो हमारे होस्ट मेहंदी भाई वापस आ गए हैं, इन्होंने पूरा घर हम लोग के हवाले छोड़ के गए हुए थे मतलब ये। और सो फाइनली आज हम लोग निकले हुए हैं ईरान को थोड़ा देखने के लिए और जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो करने के लिए। सो वंस अगेन वेलकम टू ईरान, द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन मिडिल ईस्ट एंड 17th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 17th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया भी और इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन भी। एंड नाउ वी आर इन वेरी नाइस स्ट्रीट, एन ओल्ड वन, एंड वी आर गोइंग टू सबवे। वी गोइंग टू सबवे, यस, तेहरान मेट्रो, यस, तेहरान मेट्रो, टू डू समथिंग फॉर माय फ्रेंड्स, या या। Oh, this is Indian bike. TVS. TVS. This is Indian company. Yeah. Apache, Benelli. Yeah. Benelli is not India. And you have Bajaj here? Bajaj. It's popular. Famous here. So, here are a lot of motorcycle and vehicles ke Indian brands. Hai, Bajaj, hai, TVS. Hai. So, there are a lot of bikes dikh rahi hai, TVS. Ki. I think this is Bajaj. Apache. Pulsar, Bajaj. Yeah. ये देखो, ये बजाज की पल्सर है यहाँ पे, अभी टीवी से की थी, यहाँ बजाज की पल्सर दिख रही है। दिस इज अ मेट्रो स्टेशन ना, बेरियांग। ओके, सो गाइस अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर है। तेहरान की मेट्रो पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क आप ऐसा बोल सकते हो, जो कि 1999 में ओपन हुई थी। और टोटल 142 स्टेशन है पूरे तेहरान में, और 250 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है पूरा ये कवर करती है तेहरान की मेट्रो, इतनी ज़्यादा बड़ी है मेट्रो। इसके अलावा इतना ही नहीं, इनका जो एक्चुअल प्लान है वो 430 किलोमीटर तक का एक्सपेंड करने का इनका प्लान है। सो ह्यूज नेटवर्क ऑफ मेट्रो, वेरी ह्यूज, और बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा एडवांस मेट्रो है यहाँ की। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी नॉन पीक टाइम है शायद, तो हर 10 मिनट पे एक मेट्रो आती है, शायद पीक टाइम पे हर 5 मिनट पे एक मेट्रो आती है। और इसका फेयर वगैरह क्या मैं भी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा अच्छे से समझ लूँ क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ की करेंसी। पूरा समझने के बाद जो मैं अगली मेट्रो राइड करूँगा तब मैं आप लोगों को पूरा समझाऊँगा। This is
guys at watch, be careful about your camera. Yeah. Okay. Because it will happen just in 1 second, and it happens. They will take away. मतलब वो वही बोल रहा था कि कैमरे को उसने बोला कि कैमरा अंदर रखो कोई खींच के ले जाएगा. I will watch the. सवाल भी यूज़ करना पड़ेगा. तो गाइस अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन के बाहर आ चुके हैं. काफी ट्रैफिक है, काफी शोर शराबा है. लोग बोल रहे हैं कैमरा संभाल के यूज करो, फोन भी संभाल के यूज करो. एक सेकंड नहीं लगेगा, लोग आके छीन के लेके चले जाएंगे. तो थोड़ा संभाल के यूज करना पड़ेगा. वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द फिरदौसी स्क्वायर. Yeah, we are going to Ferdowsi Square for some exchanges. So guys, Iran is the 7th largest Muslim country in the world. पूरे वर्ल्ड में 80-90% जो मुस्लिम है वो है सुन्नी है. बट ईरान में मोर देन 90% पॉपुलेशन इज शिया मुस्लिम. शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री. Yeah. Of course, we will see after this series, we will go to Valley Astor Street. ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्सियन है, इसको फारसी भी बोलते हैं. और इसके अलावा यहाँ पर अजरबैजानी एंड कुर्दिश लैंग्वेज. अजरबैजानी और अरबी. तो फारसी के अलावा अजरबैजानी, कुर्दिश एंड थोड़ी बहुत अरबिक लैंग्वेज भी बोली जाती है साउथ ऑफ ईरान में. इन साउथ ईस्ट ऑफ ईरान they also talk in Beluchi. Beluchi, yeah. Yeah, Beluchi near the Pakistan border. Yeah, 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 near the Pakistan border. तो गाइस ये है फिरदौसी स्क्वायर. काफी बड़ा स्क्वायर है ये, काफी बिजी स्क्वायर है. Yeah, we are waiting for the light. We don't have much time. Only 40 seconds. तो देख लो गाइस, बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, बहुत बिजी रोड है. जहाँ भी मन करे चले जाओ. मेरे को पूरी इजिप्ट वाली यहाँ फीलिंग आ रही है. इतना लग रहा है मैं इजिप्ट में घूम रहा हूँ. जब इजिप्ट में गया था लास्ट ईयर में, जनवरी फरवरी में गया था, याद नहीं है. तो वैसे ही एकदम माहौल है यहाँ पे इजिप्ट वाला. तो गाइस अभी मैं अपने होस्ट के घर आ चुका हूँ मार्केट से. और मैं मार्केट में कुछ भी रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी. और मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी. तो आप लोगों को बहुत कुछ बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ईरान के बारे में, स्पेशली करेंसी के बारे में और सिम कार्ड के बारे में. मेरे होस्ट मेहंदी भाई का जो सबसे पहला मेरे पास मैसेज आया था, उनका ये आया था, वेलकम टू ईरान द कंट्री ऑफ न्यूक्लियर एंड सैंक्शन. तो आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे ईरान के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं, स्पेशली US का. तो बहुत सारे सैंक्शन की वजह से ईरान में कोई भी इंटरनेशनल कार्ड काम नहीं करता है, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वीज़ा हो, चाहे मास्टर हो. तो इस वजह से ट्रैवलर्स के लिए ये कैश ओनली इकोनॉमी कंट्री हो चुकी है. तो एज अ ट्रैवलर काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं लोगों को. ईरान की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल. और रियाल इस टाइम पूरे वर्ल्ड की सबसे वीकेस्ट, सबसे लीस्ट वैल्यूड करेंसी है. जो ऑफिशियल रेट है इस टाइम ईरानियन रियाल का वो है 1 Indian rupees इज इक्वल टू 560 रियाल. बट ईरान में एक्चुअली दो रेट चलते हैं, एक ऑफिशियल रेट, एक ओपन मार्केट रेट. और ओपन मार्केट रेट लगभग 5 to 6.5 times ज़्यादा है. आपको ये बिलीव नहीं होगा, आपको ये कि मैं ये क्या चीज़ है एक्चुअली. तो बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ की करेंसी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ. तो कल हम लोग जब ओपन मार्केट में करेंसी एक्सचेंज कराने गए तो हम लोग को एक्सचेंज रेट मिल रहा था 1 Indian rupees इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 3600 रियाज. इतना ज़्यादा, 6.5 times ज़्यादा फ्रॉम ऑफिशियल रेट. तो हम और तरुण भाई अल्बानिया से 500 US dollar लेके आए थे. तो हम लोगों ने पूरा 500 US dollar को हम लोगों ने कन्वर्ट कराया ओपन मार्केट में. और हम लोगों को जानते हो कितना मिला है, तो 500 US dollar तो हो गए लगभग 37,000 rupees. बट ईरान में ये होते हैं 13 करोड़ रियाल. 13 करोड़ से भी ज़्यादा है. और ये इनकी ऐसी करेंसी है और सबसे हाईएस्ट नोट है, सबसे बड़ी नोट है ये पूरे ईरान की, जो कि है 5 lakh riyal. और 5 lakh riyal का एक नोट होता है सिर्फ और सिर्फ 136 Indian rupees. इतनी ज़्यादा इनकी करेंसी वीक हो चुकी है इस टाइम इनकी. तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, लोग वियतनाम, इंडोनेशिया या उज़्बेकिस्तान जाके मिलियनेयर हो जाते हैं. मैं ईरान आके करोड़पति हो चुका हूँ. मेरे हाथ में समय 13 करोड़ रियाल है. एक्चुअली बहुत सारे रीज़न है ईरान का करेंसी का इतना वीक होना. जब इनका ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 40 साल पहले 1979, तो उस टाइम बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ काम करती थी ईरान में, सब कंट्री छोड़ के बाहर चली गई थी. फिर उसके बाद ईरान इराक का वॉर हुआ, फिर US ने मल्टीपल सैंक्शंस लगाए, EU ने कई सैंक्शंस लगाए, तो कई सारे इंटरनेशनल ट्रेड इस कंट्री में बंद हो चुके थे. मेरे होस्ट बता रहे हैं आज से 2 साल पहले
इनके एक मंथ की सैलरी से ये दो मीडियम रेंज का फ़ोन खरीद सकते थे, बट आज के टाइम सिर्फ 2 साल के अंदर ही इनको एक मीडियम रेंज का फ़ोन खरीदने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने की सैलरी चाहिए। तो अभी भी बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस कंट्री में रिगार्डिंग इंटरनेशनल इकॉनमी, तो इस वजह से अभी भी पर डे बहुत वीक हो रही है इनकी करेंसी। US ने कई सारे ट्रेड और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हुए हैं ईरान पे, और आप लोगों को वैसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जब ये सैंक्शन नहीं हुआ करते थे या जब बहुत कम हुआ करते थे तो ईरान का 70% GDP ऑयल एक्सपोर्ट से आया करता था, क्योंकि ईरान पूरी दुनिया में वन ऑफ द मेजर ऑयल एक्सपोर्टर हुआ करता था, बट आज के टाइम पे ये ऑलमोस्ट नील हो चुका है। तो उस वजह से मैं पूरे ईरान में जितने दिन भी हूँ एटलीस्ट 1 month हूँ, तो मैं कहीं भी कोई कार्ड यूज़ नहीं कर पाऊँगा अपना, ना डेबिट कार्ड, ना नियो कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड। तो अब मेरे को पूरे ईरान में इस कैश को लेकर ही, इतनी मोटी ये गड्डी को लेकर ही पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा, पूरे ईरान को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देखता हूँ, एक थोड़ा स्ट्रगल भी है बट उसी के साथ साथ ये फ़न भी है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आप जब ईरान के मार्केट में जाएंगे, जब ईरान में आप घूमेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को रियाल सुनने में बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्चुअल करेंसी बनाई गई है जो कि है तोमन, एंड 1 तोमन इज इक्वल टू 10 रियाल। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी लोग प्राइस कोट करेंगे वो तोमन में करेंगे, तो उसको अगर आप लोगों को रियाल में कन्वर्ट करना है तो आपको 1 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं कुछ खा पी रहा हूँ, उन्होंने मेरे को अगर बताया 10 तोमन, यानी कि वो हो गया 100 रियाल हो गया, तो लोग यहाँ पे तोमन बोलते हैं, तोमन यूज़ करते हैं, बट जो करेंसी देंगे वो रियाल ही देंगे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को समझने में पूरा 1 दिन लग गया, मैं इतनी कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरे को आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई करेंसी समझने में, यूज़ करने में, बट यहाँ थोड़ी हो रही है, आई होप आने वाले कुछ दिनों में इतना मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। तो मैं जब एयरपोर्ट पे आया था, आप लोगों को मैंने बताया कि एयरपोर्ट पे सिम कार्ड देने से हम लोगों को मना कर दिया था, तो हम लोग कल फिर मार्केट से सिम कार्ड लेके आए हैं। ईरान में एक्चुअली टोटल 3 मोबाइल ऑपरेटर हैं, ईरान सेल, हमरा अवाल एंड राइटेल। तो हम लोग जब मार्केट सिम कार्ड लेने गए तो मार्केट में भी बहुत लोग सिम कार्ड हम लोगों को नहीं दे रहे थे, और दे भी रहे थे तो लोकल प्राइस से 2 से 3 गुना ज़्यादा रेट पर दे रहे थे। तो हमारे होस्ट ने हम लोगों की हेल्प करी, तो हम लोगों ने ये कल सिम कार्ड लेके आए हैं, ये ऑपरेटर है हमरा अवाल। तो हम लोग जब पहले शॉप में गए तो कोई बोल रहा है $20, कोई बोल रहा है $30, तो 2-3 शॉप जाने के बाद हम लोगों को ये सिम मिला है $10 का, लगभग 7-750 रुपये का सिम कार्ड है ये, 700 के आसपास पड़ा है, $10 से कम ही पड़ा है। और ये इसमें हम लोगों को सिर्फ 3 GB डेटा मिला है 700 रुपये में, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर मैं आगे रिचार्ज कराऊंगा तो काफ़ी कम रेट में हो जाएगा। और बहुत इजी प्रोसेस है, सिर्फ हम लोगों का पासपोर्ट लिया और सिम कार्ड दे दिया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायर्ड नहीं था। तो सिम कार्ड ले लिए हैं, इस पर 3G 4G और 4.5 GB लगा हुआ है, लेकिन नेटवर्क 4G आ रहा है, 4.5G तो होता नहीं कुछ, लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो हमारा अवाल का सिम कार्ड है। बट जो सिम कार्ड है अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, बोल रहे हैं कि आप लोगों के सिम कार्ड खरीदने के 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होगा, यानी कि कल एक्टिवेट होगा, ये दोपहर या शाम तक, तो वेट करना पड़ेगा, अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो फिर ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आगे की सीरीज़ ईरान की बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की आने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब कुछ शेयर करिएगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। ओके, गुड नाइट।